आजकल हमारा जम्मू शहर लाइट्स कैमरा एक्शन की आवाज से गूंज रहा है। निर्देशक राजेश राजा के निर्देशन में बन रही फिल्म गैंग वॉर 84 की शूटिंग से इन दिनों जम्मू में चहल पहल का माहौल है। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर कलाकार जम्मू से ही लिए गए हैं। इसी फिल्म की शूटिंग के लिए बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर भी जम्मू आए थे। बता दें कि जम्मू में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किसी फिल्म की शूटिंग की जा रही है, जिसे देखकर जम्मू वासियों में काफी उत्साह है। जम्मू वासी खुश हैं कि उन्हें ऐसी फिल्म की शूटिंग देखने का मौका मिल रहा है जिसमें इतने बड़े कलाकार काम कर रहे हैं, और साथ ही ऐसी फिल्म में जम्मू के कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। साथ ही जम्मू के जाने माने कलाकार और जम्मू वासियों के पसंदीदा तन्वीर डार भी इस फिल्म में अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का कुछ हिस्सा जम्मू के फ्लाई मंडाल इलाके में फिल्माया गया, जहां फिल्म की शूटिंग देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इस फिल्म की शूटिंग देखने के लिए आए। बता दें कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं पुरुषोत्तम गुप्ता और निर्देशक हैं राजेश राजा। तो आइए इस फिल्म के कलाकारों से और जम्मू वासियों से बात करके जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। सर, कहाँ शूट कर रहे हैं आज? फ्लाई मंडाल कह सकते हैं इसे हम, हमारी जो परमिशन थी उसके अकॉर्डिंगली ये फ्लाई मंडाल कहते हैं। जम्मू के अलग अलग इलाकों में आप शूटिंग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है जम्मू में आकर, जम्मू में शूटिंग करके? जम्मू पहले से बहुत बेहतर है और बहुत खूबसूरत है। अगर बात करता हूँ पर लोकेशन की, तो लोकेशन की 3-4 महीने पहले रेकी की गई थी पूरी की पूरी मूवी की, और आर्टिस्ट के अलावा टेक्निकल टीम भी यहाँ पे आई थी एक एक सेट या एक एक लोकेशन को वॉच करने के लिए। जी सर, जैसे मूवी का नाम है गैंग वॉर 84, तो थोड़ी हमें स्टोरी बताना चाहेंगे कि क्या स्टोरी लाइन होने वाली है मूवी की? स्टोरी देखो, मैं चाहूँगा अगले साल मार्च अप्रैल में ये मूवी थिएटर तक पहुँच जाएगी। आर्टिस्ट लोग देखें इन आर्टिस्टों को, आपके जम्मू के आर्टिस्ट हैं और आपको खुशी महसूस होगी इनकी कला को देखते हो। रही बात स्टोरी की, तो 84 की बात है, 84 से लेके 90 के बीच में गैंगस्टर रहे हैं, और एजुकेशन ने सोसाइटी को कैसे बदला है इस मूवी में ये दिखाया। ओके सर, आप पहली बार जम्मू में शूट कर रहे हैं, इससे पहले भी शूट कर चुके हैं? देखो, मेरा जो फिल्म का एक्सपीरियंस है वो ये मेरा 4th है, वो इससे पहले 3 पंजाब में ही रही हैं, पर एल्बम शूट करने के लिए हम जम्मू कई बार आए हैं। जी, तो अब दोबारा भी आना चाहेंगे? डेफिनेटली, अगली बार क्या आया, हम सेकंड मूवी बनाने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल सर, जहाँ जहाँ आपने जम्मू में शूट किया, लोगों का कैसा रिस्पांस रहा? लोग कोऑपरेटिव हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, मतलब ये बात मानने वाली है कोऑपरेटिव। जब हम कहते हैं कि यार क्राउड हो रहा है, आर्टिस्ट परेशान हो रहे हैं, तो कम से कम साइड हो जाएं, तो वो हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ऊंचा भी बोलना पड़ जाता है, ऊंचा बोलते हैं तो पीछे से कह गली गुली निकालना शुरू करते हैं। कम से कम ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली। चेक रहे हो? हाँ, तो मैं दिल से सबसे पहले आभारी हूँ हमारे प्रोड्यूसर पुरुषोत्तम गुप्ता जी का, जिनकी बदौलत हम कम से कम 150 लोगों का क्रू है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, और आर्टिस्ट जो उसमें स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आर्टिस्ट, वो 70 से ज़्यादा हैं। तो इतनी बड़ी स्टार कास्टिंग को लेके पुरुषोत्तम गुप्ता जी वो मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं उनका दिल से आभारी हूँ। कश्मीर समाचार का भी मैं दिल से आभारी हूँ, जिनकी जो हमारे व्यूज़ को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आई एम सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर। ये जो मूवी है हमारी, इसके जो प्रोड्यूसर हैं अपने पुरुषोत्तम सर, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि हमें इतना बड़ा चांस दिया उन्होंने, और राजेश राजा जी हैं जो हमारे डायरेक्टर, उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा दिखाया कि इस मूवी में हमारे साथ रहिए और हमारा साथ दीजिए एज ए एसोसिएट डायरेक्टर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और यहाँ के जो लोकेशंस हैं बहुत ही अच्छी लोकेशंस हैं, जैसे कि रामकोट में हमने शूट किया, बहुत डिफरेंट लोकेशंस थी, मतलब पहाड़ी एरिया जो, मतलब झरने वगैरह, बहुत अच्छा लगा। और आर्टिस्ट भी हमें मतलब बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं इसे, ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। आप मूवी में देख सकते हैं कि उसमें शक्ति कपूर जी भी हैं, और आगे आने वाले टाइम में हमारे गुलशन पांडे जी आ रहे हैं, तो उनके साथ भी शूट करेंगे। तो अब इस मूवी में मैसेज भी चेक करेंगे, लास्ट में मैसेज बहुत अच्छा दिया हमने। मैं यहाँ पे फाइट मास्टर की अहम भूमिका निभा रहा हूँ,
और इसमें मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने डायरेक्टर सर का, आर राजा जी का, और हमारे मतलब बहुत ही अच्छे जो इसमें डायरेक्शन का कर रहे हैं सुधीर जी, इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप जब इसको मूवी पे देखोगे तो आपको लगेगा वाकई में हम तमिल मूवी के एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको बहुत अच्छा लगेगा इसके एक्शन सीक्वेंस देख के। मैम, जैसे आप जम्मू से और अहम भूमिका निभा रहे हैं इस फिल्म में, तो कुछ बताइए इस फिल्म के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू एवरीवन। ये जो फिल्म है हमारी गैंग वॉर 84, एक तो फर्स्ट टाइम जम्मू में इतने बड़े लेवल पे लॉन्च एंड कास्टिंग हुई है, और ये बहुत अच्छी सस्पेंस के साथ मूवी आ रही है। इसके डायरेक्टर सर राजेश सर हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है इस पर। मैं एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर निभा रही हूँ, अभी रिवील नहीं कर सकते। सर स्टेलिन सर इसमें काम कर रहे हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट और जो भी हैं सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये फिल्म सुपरहिट होने वाली है। जी, मूवी में अपने करेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट करेक्टर है, बिल्कुल रिवील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ ये आप थिएटर में देखें बहुत सस्पेंस के साथ, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट करेक्टर है एंड बहुत चैलेंजिंग भी। ओके, इस टीम के साथ काम करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, टीम बहुत अच्छी है, बहुत प्रोफेशनल है टीम। और वैसे भी अगर जम्मू के लोगों को इतना अच्छा चांस मिल रहा है, इतने अच्छे लेवल पे वो काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका थैंक यू न्यूज़ चैनल कश्मीर समाचार का, बहुत बहुत थैंक्स जो आप सबने हमारे इतना मीडिया कवरेज किया। थैंक यू मैम। क्या बताएं, पहले तो सबसे पहले यही कहना चाहेंगे, नमस्कार हमारी तरफ से आप सबको। आप सब लोग सपोर्ट में हैं तो हम हैं, तो आगे अच्छा ही है। मूवी तो हमारी बहुत अच्छी है, जब आप देखेंगे तो हमें लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और सब एक्ट्रेस, खासकर जो ये हमारी एक्टर हैं, सर हैं, प्रोड्यूसर सर हैं, पुरुषोत्तम सर हैं, डोगरा सर हैं खासकर, तो काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे जम्मू के अंदर जो ये चीज़ आई है, तो एक मूवी बन रही है हमारे जम्मू के अंदर, वो भी हाई लेवल एक पर्दे पे आएंगे हम लोग, तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है सर हमारे लिए। मेरा नाम स्टैनली है, ये पिक्चर का कैमरामैन हूँ। ये पिक्चर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यह जम्मू वाला जो जितने भी आर्टिस्ट है यहाँ वाले लोग बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बॉम्बे के हूँ। मैं बॉलीवुड में कभी खुशी कभी हम काम किया, आशिक बने अपने, और बहुत सारा फिल्म किया वो, तो उसके बाद पंजाब में भी मूवी किया हूँ मैंने, हाँ, जैट एंड जूलियट और इश्किना और रब्बा। मदन लाल ब्लाग मडाल से, पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कश्मीर समाचार वालों का, जिन्होंने आज हमारे ब्लॉग में आके हमें बोलने का मौका दिया। और मेरे ब्लॉग और मेरे घर में आज हमारे जे इन्होंने अप्रोच की थी कि हमने एक अपने सीन लेने हैं, हमने शूटिंग करनी है, नई पिक्चर बना रहे हैं जी। इनकी बातें सुन के बहुत खुशी हुई कि हमारे एरिया और हमारे ब्लॉक में भी हमारे जम्मू के लोग हैं शूटिंग करने वाले, और अच्छी काम शूटिंग कर रहे हैं, तो इससे बहुत प्राउड होता है कि हमारे जम्मू के लोग भी आगे बढ़ सकेंगे और हमारे जम्मू को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे ब्लॉक से जो सीन ले रहे हैं सब को आगे बढ़ाएंगे, और जब हमारे ब्लॉक का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर सानू बड़ा अच्छा लगा कि साढ़े ग्रां भी शूटिंग होआ दी है, साढ़े ग्रां पहला कोई ऐसा काम नहीं होया, पहली बारी होया शूटिंग होआ दी है, बड़ा अच्छा लगा, सारे लोग मजा लै दे ना, हूँ फिर थिएटर से पिक्चर आओ फिर और मजा लगे। आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ आज शूटिंग चल रही है गैंगवार मूवी की। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जम्मू इस फील्ड में आ रहा है कि यहाँ पे शूटिंग चल रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आप भी देख सकते हैं आकर कि कहाँ यहाँ पे कैसे सभी इकट्ठे हुए हैं, और सभी यहाँ पे मूवी की शूटिंग देखने के लिए सब यहाँ आए हुए हैं। हमने यहाँ पे कभी हमारे जम्मू में कभी ऐसी शूटिंग हुई नहीं, और ना ही हमारे जम्मू में कोई मूवी की शूटिंग हुई है। हमें यहाँ पे आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे लाइव शूटिंग देख पा रहे हैं हम। यहाँ पे शूटिंग हो तो हमारे लोग भी कुछ सीखे इनसे, हमारे लोगों को भी थोड़ा सा प्रोग्रेस करने के आगे देखे, इनको अच्छा लगेगा ना, ऐसे माहौल भी अच्छा रहेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, अच्छा टूरिज्म यहाँ पर जम्मू में बढ़ावा देगा इस चीज़ को। थैंक यू सर।